उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पात्र किसानों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। योजना के अंतर्गत किसानों को मामूली अंशदान पर 60 साल की आयु के बाद यह पेंशन मिलेगी। उपायुक्त मंडी प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में कृषि विभाग की योजनाओं और बीते 2.5 साल की उपलब्धियों को पत्रकारों के साथ साझा किया गया। कृषि विभाग मंडी के उपनिदेशक जीत सिंह ने विभाग की गतिविधियों से अवगत करवाया। उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन है उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को आयु के हिसाब से न्यूनतम 55 रुपए और अधिकतम 200 रुपए मासिक अंशदान देना होगा। उपायुक्त ने कहा कि मंडी जिले में शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत जिले में वर्तमान वित्त वर्ष में 8,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 4,245 किसानों ने इस खेती को अपना लिया है और शेष लक्ष्य को भी जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। जिले में 233.44 हेक्टेयर जमीन को प्राकृतिक खेती के अधीन लाया गया है। आज जो प्रेस से मिलिए कार्यक्रम यहाँ पर मंडी में आयोजित किया गया, इसमें कृषि विभाग के द्वारा की जानकारी जो है वो प्रेस से साझा की गई और प्रेस के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि जन जन तक ये जानकारी पहुँचेगी। कृषि विभाग द्वारा लगभग 20 के करीब योजनाएं प्रदेश में चल रही है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचे ताकि जिसको ज़रूरत पड़े उस तरीके से वो लाभ ले सके। जो 2-3 प्रायोरिटी प्रोग्राम्स सरकार ने चलाए हैं उसमें एक है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसमें कि पेंशन का प्रावधान किया गया है। जो भी किसान 18 से 40 की आयु में है वो इस स्कीम के अंतर्गत कवर हो सकता है और उनको जो प्रीमियम निर्धारित है अपने अपने एज के हिसाब से उनका प्रीमियम निर्धारित होता है, उसके बाद 60 साल के उपरांत उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। हमारा लक्ष्य है, सरकार की ये प्रायोरिटी योजना है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस ज़िले में कवर करना। साथ ही सरकार का जो एक और लक्ष्य है ज़ीरो बजट फार्मिंग का, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, उसमें पिछले साल से ये कार्य चला हुआ है और 2 साल में अब तक 233 हेक्टेयर भूमि मंडी में इस खेती के अंतर्गत, इस प्रणाली के अंतर्गत लाई गई है। आने वाले दिनों में इसको और बढ़ाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है और सभी विभाग के सभी अधिकारी इसमें बढ़ चढ़ कर अपना प्रयास कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बजट फार्मिंग के अंतर्गत हमारी खेती हो और जो प्रोडक्ट्स हैं वो फर्टिलाइज़र के बिना मार्केट में हमें मिले, स्वच्छ और अच्छा खाना सभी लोगों को मिल जाए, ये इसका लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, केचनाल।